बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन स्टार्स सबसे ज्यादा गॉसिप करते हैं उसमें करीना और रणबीर कपूर का नाम सबसे पहले आता है। बात करें रणबीर कपूर की तो उन्हें देखकर नहीं लगता है कि वो इतने बड़े गॉसिप मॉन्गर होंगे, लेकिन इस बार रणबीर ने जो किया है उसे देखकर लगता है कि रणबीर के लिए जो अफवाह फैली हुई थी वो सही थी। रणबीर कपूर ने गॉसिप फैलाते फैलाते अपने एक फैमिली मेंबर को लेकर ही गॉसिप कर दी। इनफैक्ट ये गॉसिप सब ने सच मानकर इस पर खबर भी बना दी और लोगों ने उनके उस फैमिली मेंबर से पूछना भी शुरू कर दिया कि रणबीर ने ऐसा किया, क्या वाकई में वो सच कह रहा है। जिसके बाद उनके फैमिली मेंबर ने कहा कि वो रणबीर है, उसकी मर्जी में आता है, वो बकता है। तब जाकर पोल खुली कि रणबीर ने तो ये गॉसिप फैलाई थी। ये बात है रणबीर के अंकल रणधीर कपूर को लेकर। हम सब जानते हैं कि हाल ही में रणबीर के पिता लेट ऋषि कपूर साहब की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई। पूरी कपूर फैमिली को ये फिल्म दिखाई गई। रणधीर कपूर ने भी इस फिल्म को देखा और जब फिल्म में उन्होंने अपने भाई ऋषि को जीवित देखा तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और रो पड़े। रणबीर कपूर से जब पूछा गया कि आपके अंकल रणधीर कपूर का क्या रिएक्शन था, तो रणबीर ने कहा कि अंकल का रिएक्शन तो ऐसा था कि वो ये कहने लगे कि ऋषि ने बहुत अच्छा काम किया है और ऋषि को फ़ोन लगाओ, मेरी ऋषि से बात करवाओ। इसके बाद रणबीर ने अपने अंकल की एक मेडिकल कंडीशन के बारे में खुलासा किया। रणबीर ने कहा कि उनके अंकल को डिमेंशिया है जिसमें भूलने की आदत होती है। यही कारण है कि रणधीर कपूर ये भी भूल गए कि ऋषि कपूर इस दुनिया में नहीं है और कहने लगे कि मेरी ऋषि से बात करवाओ। कल रणधीर कपूर को लेकर ये खबर सभी तरफ छपी कि रणधीर कपूर डिमेंशिया से जूझ रहे हैं। कई लोगों ने रणधीर कपूर से उनका हालचाल भी पूछा कॉल करके इन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद, रणबीर के इस बयान के बाद। जिसके बाद अब फाइनली खुद रणधीर कपूर का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने रणबीर की इस बात को गलत ठहराया है। उनका कहना है कि मैं एकदम फिट हूँ, फाइन हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। फिर लोगों ने पूछा तो फिर रणबीर ने आपके लिए ऐसा क्यों कहा कि आपको डिमेंशिया है, तो उन्होंने खुद कंफर्म किया कि रणबीर जो है वो गॉसिप करता है। उन्होंने कहा कि ये रणबीर की मर्जी, वो जो चाहे कहता है, हमने उसे ये अधिकार दिया है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। और तो और मैं अभी राहुल द्रविड़ के साथ गोवा में था, हम गोवा फेस्टिवल एंजॉय करके लौटे हैं। रणधीर कपूर ने यह भी कहा कि मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मुझे बस पिछले साल कोविड हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जहाँ एक तरफ रणबीर का दावा था कि उनके अंकल को डिमेंशिया है, वहीं खुद अंकल अब सामने आकर कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, रणबीर की मर्जी, वो जो चाहे कह दे। तो कुल मिलाकर इस बात से कन्फर्म होता है कि अपने ही अंकल को लेकर रणबीर कपूर ने ये अफवाह फैला दी। अब सवाल ये है कि आखिर डिमेंशिया है किसे और ये डिमेंशिया का जिक्र हुआ क्यों।